नाशिक मधील तपोवन परिसरातील व्यंकटेश भगवान बाग रामानुज नगर येथील श्री व्यंकटेश मंदिरात रविवार 19 पासून ब्रह्मोत्सव समारोहाला प्रारंभ होत आहे। यात गंगा पूजन, जलानयन स्तोत्रपाठ, भजन, श्री नरसिंह याग, यज्ञ पूर्णाहुती, भगवान दिव्य झाकी यांचे विशेष श्रृंगार, आरती दर्शन, महाप्रसाद अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं। मंगळवारी 21 मे पर्यंत चालणाऱ्या या ब्रह्मोत्सव समारोहात तन मन धनाने सहभागी होऊन उत्सवाची शोभा वाढवावी असं आवाहन श्री स्वामी समर्थ टेक। मंगळवारी 21 मे पर्यंत चालणाऱ्या या ब्रह्मोत्सव समारोहात तन मन धनाने सहभागी होऊन उत्सवाची शोभा वाढवावी असं आवाहन श्री स्वामी 1008 कमलाकांताचार्यजी महाराज यांच्या वतीने करण्यात आले। व्यंकटेश मंदिर तपोवन में भगवान का ब्रह्मोत्सव उन विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन मंदिर कर रहा है। जैसे 19 तारीख को सुबह राम कुंड से भगवान के तिरुमंजन के लिए जल आएगा स्तोत्र पाठ के साथ में, और उसकी के बाद भगवान का तिरुमंजन होगा और 8 बजे से नृसिंह याग प्रारंभ होगा। 9 बजे के लगभग में भगवान की सहस्र तुलसी अर्चना होगी, तीनों दिन होगी। रात को 8 बजे से अपने रामानुज चैरिटेबल ट्रस्ट के विशिष्टा द्वैत प्रचारक संघ द्वारा स्तोत्र पाठ होगा। हर उसमें नृसिंह याग चलेगा और रात को 8 बजे से महारुद्र युवा मंडल 30 गांव बहादुरी के भक्त लोग सत्संग करने वाले हैं। 21 तारीख को नृसिंह याग की पूर्णाहुति दोपहर में हो जाएगी और अपराह्न 4 बजे से संत सम्मेलन होगा। उसके बाद 7 बजे भगवान के दिव्य झांकी का विशेष श्रृंगार आरती दर्शन का गोष्ठी प्रसाद और महाप्रसाद का भक्त लोग आनंद लें और सब कार्यक्रम में सहभाग चढ़ बढ़ के लें, ये मंदिर तरफ से हम सबको आह्वान करते हैं। जय श्री मन्नारायण। नाथ समारंभ लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज हमारे यहाँ वेंकटेश मंदिर में बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ ब्रह्मोत्सव का जो कार्यक्रम होता है ये अनादिकाल से चला आता है और ये दक्षिण में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, मद्रास इत्यादि में हर मंदिरों में ब्रह्मोत्सव किया जाता है। कहीं 10 दिन का होता है, कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 15 दिन का, कहीं कहीं तो महीनों चलता है ब्रह्मोत्सव। तो हमारे यहाँ इस वेंकटेश मंदिर में त्रिदिवसीय 3 दिन के लिए ब्रह्मोत्सव मनाया जाने वाला है। यह 19, 20 और 21 तारीख को जिसमें बड़े धूमधाम से होता है। ब्रह्मोत्सव जो है ये ब्रह्मा जी ने शुरुआत किया था। जिस दिन हमारे यहाँ ब्रह्मोत्सव किसको कहते हैं, कहीं पाटोत्सव कहते हैं, कहीं ब्रह्मोत्सव कहते हैं, कुछ मंदिरों में, कुछ संप्रदायों में तो इसको पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव क्या है, जिस दिन भगवान हमारे यहाँ मंदिर में स्थापित हुए थे उस दिन का वो ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार भगवान का जन्मोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। यह हर मंदिरों में मनाया जाता है। और यह है हमारे रामानुज संप्रदाय में तो नारद पंचरात्र आगम के आधार पर यह कार्यक्रम किया जाता है। तो यहाँ 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें नृसिंह याग है। तो जैसे दक्षिण में मनाया जाता है नारद पंचरात्र आगम, ये अलग पद्धति ही होती है। जैसे यजुर्वेद के अंदर जो भी मंत्र होते हैं उन्हीं मंत्रों के द्वारा जो नारद जी ने प्रारंभ किया था, जैसे बद्रिकाश्रम वगैरह में, उसी प्रकार हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। यज्ञों में जो हमारे यज्ञ होते हैं तो यज्ञों में जैसे जो पीठ वगैरह हमारी बनाई जाती हैं वो थोड़ा रामानुज संप्रदाय में ये विपरीत ही होती हैं। अलग देवता भी रहते हैं,
और अलग उनका विधान भी है, होम हवन इत्यादि 3 दिन का कई वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ किया जाएगा। और इसके उपलक्ष में संत सम्मेलन जो किया जा रहा है 21 तारीख को 4 बजे से 3:30 बजे से जो प्रारंभ होगा, उसमें नासिक के जितने बड़े बड़े संत महंत इत्यादि हैं उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा और वह सब पधारेंगे और यह ब्रह्मोत्सव के रूप में उसी दिन भगवान का यहाँ पाटोत्सव, वही जो ब्रह्मोत्सव है, यहाँ स्थापना हुई थी और उसी दिन भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। तो ये हमको 3-3 चीजें मिल रही हैं। अभी हमारे रामानुज संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी का 1007वां वर्ष मनाया गया है अभी थोड़े दिन पहले ही, तो उसी प्रकार से रामानुज स्वामी का 1007वां वर्ष भी है, नरसिंह जयंती भी है और भगवान का हमारा ब्रह्मोत्सव भी है। यह तीनों एकत्र करके और यज्ञ के रूप में मनाया जाएगा और सब संत महंत यहाँ एकत्र होकर संत सम्मेलन होगा यहाँ पर। कृत संकलन विभाग, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।